हमने कल ऋषभ पंत का शतक देखा, उसके बाद हमने आज के मुकाबले के अगर दूसरे दिन की बात करें तो रविंद्र जडेजा का शतक देखा, उसके बाद जसप्रीत बुमराह का जो तूफान आया 16-11 से बनाए उन्होंने और 35 रन एक ओवर में जड़ दिए स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। और देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड जो है 2007 में पिटे थे युवराज सिंह पे 6 छक्के गए थे उन्होंने, उसके बाद उनकी लाइन लाइन जो है वो बिगड़ नहीं थी बल्कि सुधरी थी, लेकिन उसके बाद में आज के मुकाबले में भी उन्होंने 35 रन खाए हैं। तो आज के मुकाबले की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से बैटिंग करी है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहली बार कप्तान बने और इस जिस तरीके इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने, 16 गेंदों में 31 रन बनाना कोई आसान नहीं होता है, खासकर टेस्ट में जब इंग्लैंड में आप खेल रहे हो। लेकिन काबिले तारीफ बैटिंग करी जसप्रीत बुमराह ने। देखिए पहली बॉल जो है वो उस पर चौका गया, इसके बाद फिर उन्होंने वाइड का चौका दिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने, तो एक बॉल में 9 रन हो गए इस तरीके से। और फिर उसके बाद एक नोवल दी उन्होंने, तो नोवल पे 6 मार दिया जसप्रीत बुमराह ने, तो एक बॉल में ही 16 रन उन्होंने खा लिए थे। इसके बाद में फिर तो वो रुके ही नहीं जसप्रीत बुमराह, फिर एक चौका मार दिया 2 में 20 हो गए, फिर एक छक्का मार दिया वो 3 बॉल में 26 रन हो गए इस तरीके से, और 2 चौके मार दिए फिर उन्होंने, तो इस तरीके से 5 बॉल में 34 हो गए। और फिर लास्ट बॉल पर एक सिंगल ले लिया, तो जिस तरीके से 35 रन जड़ दिए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने, और जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इससे पहले 28 रन का रिकॉर्ड था लेकिन इस वाले मुकाबले में 35 रन का विश्व रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और अब देखते हैं कि इसका रिकॉर्ड जो है तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है। मुझे नहीं लगता कि 35 रन कोई और बना पाएगा टेस्ट की हिस्ट्री में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जाएं।